हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव फार्मिंग चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी धान की गहाई होने वाली है थ्रेसर के द्वारा। तो ट्रैक्टर आ चुका है, अब इसी गहाई शुरू होगी। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें थ्रेसर से कैसे धान की गहाई हो रही है, ट्रैक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। थ्रेसर PTO के माध्यम से कनेक्ट हो गई है, बस अब ट्रैक्टर स्टार्ट करने की बारी है, फिर इसके बाद धान की गहाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों स्टैंड है खड़े होके धान को इसके अंदर लगाने का। ये इसके दांता हैं। ये दोस्तों स्वराज का 742 XT ट्रैक्टर है। और यहाँ से दोस्तों पैरा जो धान का पुआल रहता है उसको बाहर फेंकता है, ऊपर करके इसके द्वारा बाहर पुआल आता है। ये फैन है जिसमें से भूसी को बाहर फेंकता है, जिससे धान साफ निकलती है। इसके बाद नीचे यहाँ से धान निकलेगी, और इसके नीचे भी एक फैन लगा है जिससे बदरा जो रहता है वो उड़ जाता है। तो दोस्तों ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, इसके आरपीएम फिक्स कर रहे हैं। आरपीएम 15 से 20 के बीच में लग रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों चालू हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया। अब एक साइड से जहाँ खड़े हैं वहाँ से धान की पुल्ली लगेगी, इधर से धान का पुआल बाहर आएगा। इसका धान का पुआल काफ़ी ऊंचाई के बाद इकट्ठा होता है, अगर लंबे समय तक भी थ्रेसर चलती है जिसको बार बार हटाना नहीं पड़ेगा। काफ़ी ऊंचाई पर जाके, जैसा आप बीच में वीडियो में देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर काफ़ी दूरी जाके इसकी इकट्ठा हो रहा धान का पुआल। इसके पुआल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए अब देखते हैं इसका दाना कैसे निकल रहा है। ये दोस्तों यहाँ पास से दाना इसका निकल रहा है, देख रहे हैं। ये तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ।